हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टेंगड़ा मछली का सरसों दे करके स्पेशल एकदम आसान तरीके से, जिस तरह से हम लोग हेलसा मछली खाते हैं या कतला मछली खाते हैं सरसों मिर्चा लहसुन देकर, तो आज मैं टेंगड़ा मछली का ही सरसों मिर्चा लहसुन देकर एक स्पेशल रेसिपी तैयार कर रही हूँ। खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो सबसे पहले मछली को धो लेना है। धोने के बाद आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है उस आधार पर, अपने टेस्ट के अनुसार उसमें पहले नमक छिड़क देंगे, हल्का ही नमक रखेंगे, और उसके साथ साथ हल्दी भी छिड़क देंगे, और इसको थोड़ा अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आपकी मर्जी, आपके पास जितना टाइम है उसी के आधार पर तो काम करना पड़ेगा। तो इसको साथ साथ भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रख देने से थोड़ा सा अच्छा होता है। तो बस इसको किए, अब करने के बाद ओवन को ऑन करेंगे। ओवन ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को पूरी तरह से गर्म हो जाए, अच्छी तरह से एकदम हाई फ्लेम में ही इसको अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब इसमें सरसों तेल डालना है। कढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डालेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके मछली को पूरा कड़ा करके नहीं तलेंगे, थोड़ा सा उसको तल लेना है। और इसमें डालने के लिए, अभी ठंडा का दिन है तो लहसुन सग्गा मिल रहा है, बोल करके लहसुन ले लिए, 2 मिर्चा ली हूँ, थोड़ा सा ये काला वाला सरसों और थोड़ा सा पीला वाला सरसों, इसे ही डाल करके मिक्सी में अपना आराम से पीस लेना है। इसे भाजते वक्त विशेष ध्यान देना है कि खूब तेज आंच में नहीं भाजना है, आंच को मध्यम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो भाजना नहीं है। तेज आंच में रहने से ये फट के बहुत ज़ोर से छिटक जाता है, तो तेज आंच में नहीं भाज रही हूँ, एकदम सीम आंच में। और जब देखिएगा कि आराम से मछली पलटा जा सके, इस कंडीशन में आ गया तभी पलटिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा उसको, थोड़ा देर सीम आंच में रहे, और रहने के बाद इसको पलट दीजिए, पलट पलट कर हल्का भूनना है, ज़्यादा भूनना भी नहीं है। मछली भुना जा रहा है, अपना आराम से सीम आंच में हो रहा है। अब यहाँ मिक्सी में वो जो सरसों और मिर्चा लिए थे उसको काट दिए, लहसुन मिर्चा को और सरसों को भी डाल दिए। अब इसमें आवश्यकता अनुसार ज़रा सा पानी इसमें डालूँगी, ज़रा सा पानी डालूँगी और ज़रा सा नमक भी ले लूँगी, मछली में जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि नमक यदि कम है तब तो डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाने से बहुत समस्या होती है। तो ज़रा सा नमक डाल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे इस मिक्सी में से सरसों मिर्चा सब डाला हुआ है और इसको ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में।